रिस्पेक्टिव स्टेट्स। थैंक यू सर। सर ये हमारी भी तर्क इसी तरह है सर, दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश डैम को रखरखाव करना ये मुनासिब है कि नहीं, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार नया मंत्रालय बनाया है, जल शक्ति मंत्रालय, तो इस जो विषय है इस विषय पे नया सिरे से गहन चर्चा करने के बाद ये बिल लाया जाए, ये हमारी तरफ से मांग है। सर वजह ये है सर, ये हवाला दे सकते हैं कि 2010 साल में यूपीए में एक जमाना में बिल आए थे, लेकिन सर एनडीए गवर्नमेंट अभी ये आर्टिकल 246 का हवाला देते हैं, लेकिन सर मैं कॉन्स्टिट्यूशन से हवाला 246 की जो हमारा आर्टिकल है उसके थर्ड क्लॉज में जाना चाहते हैं, सब्जेक्ट टू क्लॉजेज 1 और 2 द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज फॉर सच स्टेट और एनी पार्ट देयर ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 इन द 7th शेड्यूल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्ड टू द स्टेट लिस्ट। तो सर ये सरासर संघीय ढांचा पर एक प्रहार हो रहे हैं। सर द बिल इट ऑफ 2010 यूपीए वर्जन ऑफ द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन आर्टिकल 252 वेयर सारे स्टेट को सर सारे स्टेट को संगन में ले गया था राजा जी, लेकिन सर इस बिल पे ऐसा कोई चॉइस नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट 246 को ला रहे हैं। सर बोलना नहीं बोलना सर, सर हो गया ना आपका वो विषय, एक मिनट। हाँ सर, सारे हिंदुस्तान अभी बाढ़ में चपेट में आ गए हैं सर, डैम सेफ्टी सिक्योरिटी हम सब चाहते हैं, लेकिन कानून का मुताबिक तो होना चाहिए। बात यह है कि सर द बिल इज टू फोकस ऑन द स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ डैम एंड डज नॉट एड्रेस द इश्यू ऑफ ऑपरेशनल सेफ्टी इन ए सफिशियंट मैनर, दिस इज ए क्रिटिकल लैकुना सर। टू हाईलाइट दिस वी कैन लुक एट द इश्यू ऑफ द चेन्नई फ्लड इन 2015। सर द सीएजी रिपोर्ट ऑन द सेम रिवील्स क्लियर ऑपरेशनल फेल्योर, महाराष्ट्र से लेकर चेन्नई।